बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन्फ्लिक्टेड विद डैमेज एंड इकोनॉमिक लॉसेस बाय वर्टिब्रेट पेस्ट। हियर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। द सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, India, Bangladesh, that fall in the category of developing countries suffer from high economic losses due to the damage to valuable crops. Pakistan, Bangladesh और India ऐसे well developed countries के अंदर lie करते हैं जिनको vertebrate pest की वजह से crop का हमेशा economic loss होता रहा है। इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कौन कौन से वर्टिब्रेट पेस्ट हैं, वो कौन कौन सी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको उन रूडेंट्स को रिमूव करने के लिए किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह वर्टिब्रेट पेस्ट के अंदर रूडेंट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। अब क्रॉप्स आर ऑलवेज अंडर अटैक बाई वर्टिब्रेट पेस्ट इंक्लूडिंग रूडेंट्स, बर्ड पेस्ट। यहाँ पर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, शो हो रहा है, जिसके अंदर रूडेंट्स और बर्ड्स पेस्ट के बारे में बताया गया है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्टिब्रेट जो पेस्ट हैं, वर्टिब्रेट पेस्ट हैं, उनमें रूडेंट्स एंड बर्ड्स हैं। कोलंबा लीविया एक वर्टिब्रेट बर्ड पेस्ट है, कोलंबा लीविया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोलंबा लीविया इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ पिजन। सेकेंड इज़ करवा सबलैंडस, करवा सबलैंडस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ अ क्रो। पेसा डोमेस्टिकस इज साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पैरो। सिटाकुरा क्रैमेरिया इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ रोज रिंग्ड पैराकीट। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्ड पेस्ट थे जो हमेशा क्रॉप्स को डैमेज करते आए हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। मस मस्कुलस है, मस मस्कुलस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस माउस। राटस नॉर्वेगिकस, राटस नॉर्वेगिकस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ ब्राउन रैच। एंड थर्ड वन इज राटस राटस, राटस राटस इज़ अ साइंटिफिक नेम ऑफ रूफ रैट। इसी तरह थर्ड जो वर्टिब्रेट पेस्ट है वाइल्ड बोर है, एंड फोर्थ वर्टिब्रेट पेस्ट जो है वो पॉर्कोपाइंस हैं। इसी तरह आपको टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में बताया जाएगा। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वर्टिब्रेट पेस्ट जो हैं वो डैमेज करते हैं बहुत सारी क्रॉप्स को, उनमें कुछ क्रॉप्स को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। सबसे पहले रूट ट्यूबर्स हैं, शुगर कैन है, मेज है। ये वो तीन क्रॉप्स हैं जिनको रूडेंट बेंडागुटा बेंगालेंसिस जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। बेंडागुटा बेंगालेंसिस जो है इन क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा ज़्यादा डैमेज करेगा। इसी तरह राइस है, सनफ्लावर्स हैं, बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनको बहुत सारे बर्ड्स एंड वर्टिब्रेट रूडेंट्स जो हैं वो डैमेज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है ये रूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थ्रेट हैं फसलों के लिए, बहुत तादाद में ये क्रॉप्स को डैमेज करे होते हैं। इस तरह बेंडागुटा बेंगालेंसिस जो है जिस क्रॉप्स को वो डैमेज करता है उसमें क्रॉप है शुगर कैन। शुगर कैन में जो लेसर बेंडागुट रैट जो है उसके स्टेम में जो नोड और इंटर नोड हैं, नोड और इंटर नोड ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है, स्पेशली इंटर नोड के अंदर, इंटर नोड में ग्लूकोज लेवल सबसे ज़्यादा होगा। इसी तरह जो लेसर बेंडागुट रैट जो है वो नोड और इंटर नोड को डैमेज करेगा, वह उसी को ईट करेगा और जो फसल है तमाम की तमाम फसल जो है वो ख़राब कर देगा। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रही है भाई, शुगर कैन की नोड, हियर यू कैन सी द नोड एंड इंटर नोड। नोड और इंटर नोड, इंटर नोड एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, इसी तरह लेसर बेंडागुटा रैट जो है वो इसी पार्ट को ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मेज एंड रूट ट्यूबर्स, लेसर बेंडागुटा रैट ईट मोस्टली द कर्नल ऑफ मेज। मेज जो कर्नल पार्ट होते हैं उसको ये ज़्यादा मोस्टली डैमेज करेगा। इस तरह बहुत सारे और से बर्ड्स भी हैं जो कि इसको कर्नल पार्ट को डैमेज करते हैं। रूट ट्यूबर्स हैं, लेसर बेंडागुटा रूट रैट जो है वो ईट करता है अपर पार्ट जो होंगे, रूट ट्यूबर्स के जो अपर पार्ट होंगे उनको डैमेज करेगा और वहाँ पर कुछ साइंस जो हैं वो छोड़ जाएगा। इसी तरह जो फार्मर्स होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कौन से वर्टिब्रेट पेस्ट ने किस चीज़ को डैमेज किया है। इस तरह कुछ सिटाकुरा क्रैमेरी है वो गावा को डैमेज करता है। उस तरह उनके जो बीक है, बीक के जो निशानात होते हैं वो वहाँ पे शो होते हैं, जिसकी वजह से वो फार्मर जो है
वो अंदाज़ा लगाते हैं, या गार्डनर जो हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको किस स्पीशीज़ ने या किस वर्टिब्रेट पेस्ट ने जो है वो डैमेज किया हुआ है। हियर यू कैन सी द डायग्राम्स ऑफ कर्नल एंड रूट ट्यूबर्स। पार्कोपाइन जो है कंपैरेटिवली लार्ज एनिमल है, जिसका वेट जो है वो 10 किलोग्राम तक होता है, और सिंगल नाइट के अंदर ये कई किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। और ये जिन जिन क्रॉप्स को या लाइक फ्रस्ट प्लांटेशंस हैं, रूट्स हैं या वेजिटेबल क्रॉप्स हैं या मेज़ हैं, इनको ये बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है, सीरियस पेस्ट है इन सभी क्रॉप्स का। इसी तरह जो वीट है ये वल्नरेबल होता है टू रूडेंट अटैक्स, मतलब इरीगेटेड और रेन फेड एरिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा या अटैक करेगा। इसी तरह जो फार्मर होते हैं वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस टाइम के अंदर, मतलब डाउन एंड डस्क, मतलब किस टाइम के अंदर किस स्पीशीज़ का आने का चांसेस या एक्टिविटी की उसके चांसेस ज़्यादा हैं। जो फार्मर हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं डस्क के बाद जो रैट है उसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से फिर अगर वो किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, लाइक किसी स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं उस रूडेंट्स को रिमूव करने के लिए, तो वो उस टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए उस टेक्निक को अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पर अगर अर्ली मॉर्निंग है या दोपहर का टाइम है, अगर दोपहर के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है तो वो उस टाइम में उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ उसकी जो तादाद है उसको हम रिमूव कर सकें। सिटीपुरा क्रैमेरिया, रोज रिंग पैराकीट, गावा एंड कॉमन फिग। गावा रोज रिंग्ड पैराकीट जो है वो गावा फ्रूट्स को डैमेज करेगा, उसके स्पेशली लीव्स को भी डैमेज करता है, उसके फ्रूट को भी डैमेज करेगा, अपनी जो बीक होती है उसके ज़रिए, चूँच जो है उसके ज़रिए उसको डैमेज करेगा। और यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है रोज रिंग्ड पैराकीट के डैमेजिंग इफेक्ट की, जैसे वो किस फ्रूट को, वो गावा को किस तरह वो डैमेज कर रहा है। कॉमन फिग रोज रिंग पैराकीट जो है जो फाइनल प्रोडक्ट होती है कॉमन फिग की, उसको वो ईट करता है, स्पेशली उसके अपर पोर्शन जो होंगे फ्रूट के वो उसको ईट करेगा और उसको डैमेज कर देगा। नाउ यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ कॉमन फिग। कैस्केबेला थेवेटिका रोज रिंग पैराकीट जो है कैस्केबेला थेवेटिका जो कि जो होल फ्रूट्स हैं उनको डैमेज करेगा, और बाकी जो सीड हैं सिर्फ वो छोड़ देगा, बाकी अंदर का जो कुछ भी है पार्ट है उसके स्पेशली फ्लावर्स भी डैमेज करेगा, उसके फ्रूट्स को भी डैमेज करेगा। इसी तरह राइस एक क्रॉप है जो सेवरल काजेज़ देखे गए हैं, जब राइस का डाटा कलेक्ट किया गया तो कई काजेज़ की वजह से इसको कलेक्ट किया गया कि किस किस वर्टिब्रेट पेस्ट ने इसको डैमेज किया, किस तरह किया। अब यहाँ पर जो ये डाटा जो कलेक्ट किया गया है इसमें एशियन अमेरिका के अंदर इसकी रिपोर्ट देखी गई है। एशिया के अंदर जो है इस स्टोरेज लॉसेस जो है जो वर्टिब्रेट पेस्ट की वजह से हो रहा होता है स्टोरेज लॉसेस का, एशिया के अंदर सबसे कम है, अफ्रीका के अंदर ज़्यादा है, और लैटिन अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी रिपोर्ट देखी गई है। नाउ यू कैन सी हियर द टेबल ऑफ राइस लॉसेस फ्रॉम हार्वेस्ट टू माइलिंग इन एशियन कंट्रीज। यहाँ पर आपको परसेंटेज वेट लॉस नज़र आ रहा है जो कि फिलीपाइंस के अंदर, बांग्लादेश और इंडोनेशिया के अंदर शो किया गया है। अब यहाँ हार्वेस्टिंग है, हैंडलिंग, थ्रेशिंग, ब्राइन, स्टोरिंग एंड माइलिंग। फिलीपाइंस के अंदर जो हार्वेस्टिंग है उसमें परसेंटेज जो वेट लॉस है वो 1-3% है। इसी तरह जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो इसका परसेंटेज वेट लॉस है वो 1.45 है। इसी तरह जो इंडोनेशिया में वेट और ड्राई कंडीशन सीज़न है, वेट और ड्राई कंडीशन के अंदर इसका जो वेट लॉस देखा गया है वो 0.89 है, और इसी तरह ड्राई कंडीशन में इसका जो वेट लॉस है वो 0.63 है। हैंडलिंग के दौरान जो वेट लॉस होता है फिलीपाइंस के अंदर वो 2-7 है, बांग्लादेश में 1.03 है। इसी तरह जो थ्रेशिंग के दौरान जो वेट लॉस होता है फिलीपाइंस में 2-6 है एंड बांग्लादेश में 1.79 है। इस तरह सो ऑन, अब ड्राइंग में, स्टोरिंग में, माइलिंग में डिफरेंट किस्म के वेट लॉस शो रहे हैं। मेस लॉसेस अपीयर टू बी मॉडरेटली सीरियस इन अफ्रीकन कंट्रीज एंड सीवियर इन द लेटिन अमेरिकन रीजन।
अफ्रीका के अंदर ज़्यादा होता है, लैटिन अमेरिका रीजन के अंदर उससे भी ज़्यादा होता है। और जो इस रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि किस तरह मेज का वैसे लॉस, मेज लॉस हो रहा है, इसकी एवरेज नज़र दिखाई गई है 9 पॉइंट पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान के अंदर एवरेज दिखाई गई है 9.6 टू लेकर 22.2 तक इसकी परसेंटेज जो है वो देख नज़र आ रही है। ये टेबल इंडिकेट कर रहा है रिपोर्ट पोस्टेड हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ मेज वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में दिखाया गया किस किस कंट्री के अंदर परसेंटेज वेट लॉस जो है वो कौन से हैं, उनके कौन कौन से रिमार्क्स हैं। इसमें पाकिस्तान में जो है टोटल परसेंटेज वेट लॉस है वो 2-7% वेट लॉस हो रहा है। मिलेट्स एंड सॉर्गम्स, मिलेट्स एंड सॉर्गम्स जो हैं ये आर द मेन स्टेपल्स होते हैं ड्राई रीजन के अंदर लाइक अफ्रीका, मिडल ईस्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना। पोस्ट हार्वेस्टिंग जो है उसकी अनइम्प्रूव्ड है मिलेट्स एंड सॉर्गम्स के लिए कंपेयर टू सीरियल ग्रेन्स में, और सॉर्गम्स जो हैं वो कॉमनली स्टैंड्स होते हैं फील्ड के अंदर, इसीलिए इसका जो थ्रेट जो है या इसका डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा फील्ड के अंदर बहुत देखा जाता है, क्योंकि रूडेंट्स जो हैं वो फील्ड के अंदर ज़्यादा होते हैं, जितने रूडेंट्स ज़्यादा होंगे उतने ही सॉर्गम्स की फील्ड को उतना ही ज़्यादा डैमेज करेंगे। ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स रूडेंट डैमेज करते हैं ग्रेन लेग्यूम्स को, उनका जो डैमेजिंग है वो मिनिमल है। अब ग्रेन लेग्यूम्स में कौन कौन से आते हैं, बीन्स, पीस, लेंटिल्स, कॉपीज एंड ग्राउंडनट्स। इन सब के डायग्राम जो ग्रेन लेग्यूम्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई जाएगी। लेग्यूम जो है वो प्रेफर नहीं करते, मतलब ब्रेड और माइस जो है इस लेग्यूम्स को इतना प्रेफर नहीं करते, इतनी पसंदीदा खुराक से अपना नहीं समझते। इसी तरह आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाएगी माइलेट्स एंड सॉर्गम्स की। नाउ यू कैन सी हेयर द डायग्राम्स ऑफ ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स। फर्स्ट डायग्राम इज बीन, सेकेंड पी, लेंटिल्स, कॉपीज एंड ग्राउंड नट्स। दिस डायग्राम टेबल शोज द रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज है डिफरेंट कॉजेज के वजह से, वीट की, मिलेट की एंड सॉर्गम्स की। वीट की जो वीट लॉसेज है पाकिस्तान के अंदर टोटल परसेंटेज वेट लॉस जो है वो इसका है 5-10% वेट लॉस है, और इंडिया में इसका वेट लॉस 8-25 है, रेशिया के अंदर 10 है। इसी तरह जो माइलेट्स हैं इंडिया में डिफर है, डिफरेंट है, माली में, नाइजीरिया में वो भी डिफरेंट है। दिस टेबल शोज द पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेज एट फार्म लेवल ऑफ ग्रेन लेग्यूम्स ड्यू टू ऑल कॉजेज। कीनिया के अंदर इसका जो टोटल परसेंट वेट लॉस है वो 30 है, और जो मॉडरेट परसेंटेज वेट लॉस हो रहा है वो थाईलैंड के अंदर हो रहा है 12-15, और जो सबसे कम है वो जिम्बाब्वे के अंदर है। क्रॉन स्क्विरल एक वर्टेब्रेट पेस्ट है, रूडेंट है, जो कि जिनका डैमेज आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे शो किया गया है। जो हाई पॉपुलेशन होती है ग्राउंड स्क्विरल की वो सीरियस पेस्ट प्रॉब्लम है, और स्पेशली जो स्क्विरल जो है ये डिस्ट्रॉय करती है फूड क्रॉप्स को, और इसके अलावा ये डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा काज करती है। इसके अलावा ये ग्राउंड स्क्विरल जो है ये फीड करती है बोथ इमेच्योर और मेच्योर ग्रेन क्रॉप्स होंगे, उनको ये मेच्योर हो या फिर वो इमेच्योर हो उन ग्रेन क्रॉप्स को ये फीड करेगी, उनकी फसल जितनी भी होगी उसको ये ख़राब कर देगी, स्पेशली जब वो हार्वेस्टिंग कंडीशंस के अंदर होती है, टाइम में होती है, तब वो इसकी फसल को ज़्यादा डैमेज करेगा। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ग्राउंड स्क्विरल के कंट्रोल के लिए जो हम फ्यूमिगेंट्स इस्तेमाल करेंगे वो ये हैं। एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो है ग्राउंड स्क्विरल की सर्वाइविंग को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड को अगर हम इस्तेमाल करने से पहले जिन जिन बरों पे हमने इस्तेमाल करना था बरस के अंदर, उस उन तमाम बरस को हम ट्रीट करेंगे वुडन स्टैक्स की मदद से या फिर इंजीनियरिंग फ्लैक्स की मदद से, ताकि हमें अंदाज हो सके इन बरों को हमने ट्रीट करना है या फिर नहीं करना। और जिन जिन बरों को ट्रीट करना होता है इसका मतलब होता है वहाँ पर ग्राउंड स्क्विरल की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगे कि ये
यहाँ पर तादाद ज़्यादा है तो उनको आपने ट्रेटेड करना है वुडन स्टैक्स की मदद से या फिर इंजीनियरिंग फ्लैग्स की मदद से। और जैसे ही बरोज को आपने ट्रीट कर रहते हैं, जो मार्कर होते हैं उसको आपने रिमूव कर देना है, और फ्यूमिगेशन के बाद जो बरो जो है उसको अपने क्लोज करना है सॉइल की मदद से। अगर कोई बरो दोबारा रीओपन हो गई या फिर आपको एक्टिविटी वहाँ पर दोबारा नज़र आ रही होती है ट्रीटमेंट करने के बाद भी, तो फिर आपने दोबारा उसको रीफ्यूमिगेट करना था। और अगर आपको लगे कि आपने इसको फ्यूमिगेट किया है बरो को और फिर भी उस वहाँ पर किसी रूडेंट के मतलब उस करल की एक्टिविटी नज़र आए, तो फिर दोबारा उसको रीफ्यूमिगेट करें, उसको वैसे ही ना छोड़ें। इसी तरह जो कुछ इसके फ़ायदे कुछ नुकसान भी होते हैं, जो फ्यूमिगेशन जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होता है और समटाइम डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। इसके अलावा ये लेकिन ये फ़ायदा मंद इसलिए हो गई है कि अगर चांसेस ज़्यादा सक्सेस के चांसेस देता है कि अगर अगर जब इसको एल्यूमिनोफॉस्फेट का जब इस्तेमाल करते हो, इस फ्यूमिगेंट को इस्तेमाल कर रहे थे, तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं उसके उसके चांस किल करने के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है, आपने इस फ्यूमिगेशन को इस्तेमाल करते वक्त अगर जब भी कुछ इसको आपने इस्तेमाल करें तो उससे पहले जो लेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको फॉलो लाजमी करें, और उसके ऊपर जो उसको श्योर आपको होना चाहिए कि उसका आपने रीड किया हो, जितना अच्छे बेहतर तरीके से आप उसे रीड करेंगे, उन लेबल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, उतना ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह जो फ्यूमिकेंट्स हैं ये लेस इफेक्टिव होती हैं ड्राई सॉइल के अंदर, जब अगर सॉइल जो है वो ड्राई है तो ये लेस इफेक्टिव होती हैं। इसी तरह जो फ्यूमिगेशन जो है ये फेल समटाइम फेल हो जाती हैं, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन होती है बरो सिस्टम के अंदर, इस तरह समटाइम होता है कि जो बरो सिस्टम होता है वो काफ़ी लंबा होता है, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फ्यूमिगेंट्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं। या फिर समटाइम ऐसा होता है कि जो बरो सिस्टम है वो जो बरोज हैं वो दूसरे से मैच हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं। जब बरोज इंटरकनेक्टेड होंगी तो भी ये फ्यूमिगेंट्स होंगे वो फेल हो जाएंगे। और समटाइम ये भी हो सकता है कि ये फ्यूमिगेंट्स इसलिए भी फेल हो जाता है क्योंकि जो वहाँ पे अगर ग्रेसेज हैं, ग्रेसेज अगर इस फ्यूमिगेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगी तो फिर वो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती, ग्राउंड स्क्वायर के लिए फेल हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पर जितनी भी ग्रेसेज हैं उसने उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। इस तरह बचाना चाहिए कि ये जो ग्रासेस हैं वहाँ से अगर एक्स्ट्रा हैं तो उसको आप वहाँ से रिमूव कर, ताकि ये ग्राउंड स्कैरल जो है वहाँ पर आए वो अब्सॉर्ब करें और उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा हों। क्रॉप्स हैं जो कि क्रो जो है बर्ड पेस्ट है करवासा प्लांटेंस जो कि कुछ क्रॉप्स को डैमेज करता है। क्रो जो है कॉर्न प्लांट्स जो है उसकी जो सीडलिंग होती है, सीडलिंग को कॉर्न प्लांट्स की ये डैमेज करेगा, और इसी तरह इसकी जो कुछ सीडलिंग जो है कॉर्न की वो डैमेज हो रही थी, मे बी काज दूसरे बर्ड्स भी, कुछ दूसरे बर्ड्स भी हैं क्रो के अलावा जो कि इस सीडलिंग को डैमेज कर सकते हैं, जैसे कि फीजेंट्स हैं, स्टारलिंग हैं या ब्लैक बर्ड हैं। ब्लैक बर्ड, फीजेंट, स्टारलिंग ये भी उसको सीडलिंग को कॉर्न की जो सीडलिंग उसको डैमेज कर सकते हैं। इसी तरह कुछ रूडेंट्स होते हैं जो कि सीडलिंग को डैमेज करते हैं, लाइक माइस है, ग्राउंड स्क्वायरल है जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है, माइस का बाद में होगा। और क्रो जो है ये डैमेज करता है राइपनिंग, जब कॉर्न जब राइपनिंग कंडीशन के अंदर होता है उसके अंदर मिल्क और डफ स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट में, तो उस तब जाके जब उसको डैमेज करेगा तो डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इस तरह के अगर रैपनिंग कंडीशंस के अंदर जो ब्लैक बर्ड है वो भी इसको इस फसल को डैमेज करता है, कॉर्न को डैमेज कर सकता है ब्लैक बर्ड भी। और जो क्रो जो है वो कंज्यूम करते हैं पीनट्स व्हेन दे आर विंटर इन अ फील्ड टू ड्राई, बट अदर बर्ड्स स्पेशली ग्रैकल्स कैन आल्सो कॉज सच डैमेज। क्रो मे आल्सो डैमेज अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग रैपनिंग ग्रेन्स एंड सॉर्गम्स। सॉर्गम्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, और वाटरमेलन्स को भी ये या कुछ फ्रूट्स जो हैं उनको भी ये डैमेज करते हैं। ब्लैक बर्ड जो है ये कंसिडरेबल डैमेज करते हैं जब वो कोई भी कॉर्न मिच्योर होता है, मिच्योरिंग कंडीशंस के अंदर या रैपनिंग कंडीशंस के अंदर, तब डैमेज करेगा सनफ्लावर्स को, सॉर्गम्स को, ओट्स को, ठीक है, और मिच्योरिंग राइस को भी ये ब्लैक बर्ड जो है डैमेज करता है। इसके अलावा इस तरह यही ब्लैक बर्ड जो है ये बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह अगर डैमेज करें इस तरह बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करेंगे।
ये बेनिफिट्स इन कंडीशंस में प्रोवाइड करते हैं जब हार्मफुल कोई भी इंसेक्ट्स हों, जैसे कि रूट वर्म्स हैं, रूट वर्म बीटल्स हैं या कॉर्न ईयर वर्म्स हैं, उन फसलों के ऊपर जब वो फीड कर रहे होते हैं तो उनको ये ख़त्म कर देता है। जैसे कि ग्रासेस हैं, जॉनसन ग्रासेस हैं, अगर वहाँ पर वो हार्मफुल हैं उन फसलों के लिए तो वहाँ पे ये उसको ख़त्म कर देगा। इस तरह जो ब्राउन हेडेड काउ बर्ड है, ये भी सेम सॉर्गम और सनफ्लावर्स के जो क्रॉप्स हैं या मैच्योरिंग कंडीशन के जब अंदर जब होते हैं तो वहाँ पर ये जो काउ बर्ड जो है उनके फसलों को, क्रॉप्स को डैमेज करता है। इकोनॉमिक लॉसेस फार्मर्स को वर्टिब्रेट पेस्ट की वजह से, जब वो कोई भी क्रॉप्स या फसल जो है वो हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर या पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशंस के अंदर होती है, सीजन के अंदर होती है, तो उनको डबल लॉस होता है। वर्टिब्रेट पेस्ट की वजह से जो डैमेज होगा वो डबल लॉस देगा। मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप्स होती हैं वल्नरेबल होती हैं पेस्ट जब वो ग्रोइंग स्टेज के अंदर होती है, ग्रोथ स्टेज के अंदर होती है, अगर कोई भी वर्टिब्रेट पेस्ट को अटैक करे या डैमेज करे तो वो उसके लिए लॉसेस उतना ही डबल हो जाएगा, दुगना हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे वर्टिब्रेट पेस्ट हैं जो जो स्टोर फूड को डैमेज करते हैं, जैसे कि जब स्टोर फूड जो है उनको हम स्टोरेज के अंदर रख रहे होते हैं, जब स्टोरेज के स्टोर कर रहे होते हैं फार्म हाउस के अंदर, जब हम फार्म हाउस के अंदर स्टोर करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे रूडेंट्स जो हैं, जैसे कि रैट है उसको जाके अटैक करेगा, डैमेज करेगा, फीड करेगा, ईट करेगा, जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। इस ये डैमेज जो स्ट्रक्चर जो है बने होते हैं, ये इंडिजीनस जो रूडेंट्स होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं वर्टिब्रेट पेस्ट, ये उन स्ट्रक्चर्स के अंदर वहाँ पर जाके रहते हैं, जिसकी वजह से अगर वहाँ पे कोई स्टोर की गई है फूड है तो वो उस फूड को ये ख़राब करेंगे। और जो स्टोर फूड है वो लॉस होते हैं ड्यू टू टाइम कंजम्पशन की वजह से, कंटामिनेशन की वजह से, वेस्ट या फिर स्पॉइल्ड बाय वर्टिब्रेट पेस्ट, अगर कोई उसे वर्टिब्रेट पेस्ट स्पॉइल कर दे या फिर अपने वेस्ट किया या कंटामिनेशन हो जाए, उसके वजह से भी स्टोर फूड जो है वो या डैम ख़राब हो जाती है, या फिर उसको रखे टाइम कंजम्पशन उसके बहुत ज़्यादा है तो भी स्टोर फूड जो है वो डैमेज हो जाती है। जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वर्टिब्रेट पेस्ट का एग्रीकल्चर के ऊपर वो ईटिंग है, और डैमेज क्रॉप जो है वो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा लॉस देता है, एज वेल एग्रीकल्चर को लॉस देगा, इकोनॉमिक लॉस देगा। डैमेज से इम्पैक्ट जो रूडेंट्स की वजह से होता है या फिर बर्ड्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा होता है, और इनका डैमेज जो है वो जियोग्राफिकल एरिया के में डिफरेंट होगा, सीज़न टू सीज़न वेरी करता है, हर एरिया में एक जैसा नहीं होगा, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सीज़न में इनका डैमेजिंग रिपोर्ट जो है वो डिफरेंट है। अब रैट जो है पाकिस्तान में बिग थ्रेट है और ये काफ़ी लॉस देती है कंट्री को, और इसका जो शुगर कैन के अंदर जो लॉस है गया वो 17-15% देखा गया है। अगर उनकी जो शुगर कैन क्रॉप जो है उसके अंदर जो एक्टिविटी है, मतलब वहाँ पर इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा की गई है, जिसकी वजह से इसका लॉस जो है वो शुगर कैन की क्रॉप्स को जो फसल को नुकसान होता है तो वो होता है वो 7 से 15 मिनट्स का लॉस होता है, और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हो सकता है, ड्राई एंड वेट कंडीशंस होती हैं उनके अंदर हो सकता है। और फार्मर जो होता है इन जितने भी रूडेंट्स हैं वर्टिब्रेट पेस्ट हैं इनको रिमूव करने के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, ताकि जो इनकी तादाद है उसको हम ओवरकम कर सकें। जो फार्मर्स जो हैं उनको ओवरकम करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ टेक्निक्स आपको दी गई हैं, रूडेंटिसाइड्स हैं, इसी तरह एविसाइड ट्रैपिंग है एंड इवर्जन्स हैं। रूडेंटिसाइड्स ट्रैपिंग एविसाइड्स एंड ट्रैपिंग इवर्जन्स को अप्लाई करते हुए फार्मर जो है इकोनॉमिक लॉस से बच सकते हैं। ट्रैपिंग सिस्टम बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हम घरों में भी स्टोर अगर फूड हमारे घरों में होती है तो उसको बचाने के लिए हम क्या ट्रैप्स यूज़ करते हैं, रैट को, अगर रैट हमारे घर में है तो रैट्स से बचने के लिए, नुकसान ना हो हमारे कोई गंदम फसलों को, मत गंदम को कोई भी अनाज को, तो उसको बचाने के लिए हम ट्रैप यूज़ करते हैं, ट्रैपिंग सिस्टम करते हैं। ट्रैपिंग सिस्टम एक बेहतर तरीका होता है किसी भी रूडेंट्स को रिमूव करने के लिए। नॉर्वे रैट है, नॉर्वे रैट नो पॉपुलेशन, नॉर्वे रैट नो पॉपुलेशन रिडक्शन टेक्निक कैन बी यू मेड मोर इफेक्टिव देन व्हेन फूड एंड शेल्टर आर रिड्यूस्ड बाय गुड सैनिटेशन एंड रूडेंट प्रूफिंग।
सेंट्रोपिंग पढ़ा है, आपने प्रूडेंट प्रॉफिंग पढ़ा है, आपने टॉक्सिकेंट्स पढ़े हैं, फ्यूमीगेंट्स पढ़े हैं, आगे भी मजीद टॉपिक्स आएंगे आपके लेक्चर आएंगे उनमें आप पढ़ेंगे। जो फॉलोइंग यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है साइंस, जो कि साइंस शो करती है कि यहाँ पर नॉर्वे वेराइट की मौजूदगी थी। अगर नॉर्वे वेराइट की मौजूदगी होती तो फार्मर्स उस तरह से उस चीज़ की टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। वहाँ पे ग्रेसिस मियर मार्क्स शो करता है, वहाँ से मार्क्स जो जब गुजरेगा तो वो मार्क्स शो कर जाएगा जिस जिस रूट से वो ट्रैवल करता है, वहाँ पे ये मार्क्स ग्रेसी स्मियर मार्क्स को शो करेगा, छोड़ जाएगा। या फिर वो होल्स होंगे जिन जिन स्ट्रक्चर से वो गुजरा होता है, एंटर वो होते हैं, वो होल्स जो बने होते हैं उसे भी ये इंडिकेट होते हैं कि यहाँ पे नॉर्वे रेड की मौजूदगी थी। इसी तरह जो है जो ड्रॉपिंग सिस्टम, और ड्रॉपिंग असल में एक वेस्ट होता है किसी भी ब्रूडेंट्स का या मल्टीपल पेस्ट का, यहाँ पे जो ड्रॉपिंग जो है वो 1/4 इंचेस लॉन्ग होती है, इससे भी ज़्यादा जो है नॉर्वे रेड की ड्रॉपिंग जो है वो हो सकती है। और इसके अलावा जो ये ग्रोइंग मार्क्स होते हैं सरफेसेस के ऊपर, उससे भी शो होता है कि ये नॉर्वे रेड या नॉर्वे रेड की यहाँ पर प्रेजेंस मौजूद थी। इसके अलावा जो है ये अगर किसी फूड को ये ईट करता है, मतलब पार्शली कर, मतलब उस आधा खा जो आधा छोड़ दिया है, तो उससे भी इंडिकेट होता है कि यहाँ पर नॉर्वे रेड की मौजूदगी थी। और इस तरह जिसके जो बरो सिस्टम, मतलब जिसके अंदर ये बरो के अंदर रहता है, वो तकरीबन 2 इंचेस होती है डायमीटर या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह इसका कंट्रोल है नॉर्वे रेड का, कि किस तरह हम नॉर्वे रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंगल डोज जो होगी, सिंगल डोज पॉइजन जो है, अगर किसी जगह पर रैट की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है या फिर किसी जगह पर फूड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फीड लॉट्स है, अगर जहाँ जिस जगह पर फूड ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है रैट की मौजूदगी भी ज़्यादा होगी। जिस जगह पर रैट की मौजूदगी ज़्यादा है वहाँ पर सिंगल डोज पॉइजन इनफ होता है, आपने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सिंगल डोज पॉइजन यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी तादाद जो है वो ओवरकम हो सकती है। और ये पॉइजन जो है डिज़ाइन कहते हैं रूडेंट को किल करने के लिए, जब वो ए उसकी डोज को खाएगा तो उसे किल कर खाएगा, खाने के बाद तो उसके डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको ये श्योर होना चाहिए कि रैट ने जो बेट आपने सिस्टम बेट बनाया है वो उसने उसको ईट किया हो। आपको ये श्योर होना चाहिए कि रैट ने जिस जो अपने बेट बनाया है उसको ईट लास्ट में किया हो। इसके अलावा जो रूडेंट जो है जिन जिन ग्रेन्स को खाएगा, मतलब जो जो उसकी फीड होगी उस फीड के लिहाज से आपने उसकी बेटिंग बनानी है। यूज़ करना है आपने कमर्शियल ग्रेन्स पॉइजन पॉइजन बेट यूज़ करने हैं उसको कर सकते हैं, या फिर अगर वो वैरायटी ऑफ फूड अगर अवेलेबल है, अगर मतलब डिफरेंट किस्म की फूड्स खाता है, अगर वो स्पेशली फर्ज करें वो ग्रेन्स खा रहा था तो अपने ग्रेन पॉइजन बेट बनाना है। अगर वो डिफरेंट किस्म की फूड आपके पास अवेलेबल है तो अपने फ्रेश बेट्स बना सकते हैं, जो कमर्शियल पॉइजन होता है कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर फ्रेश बेट अपने जो बनाना है उसके हम उसमें एप्पल्स हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, ग्राउंड मीट्स हैं, फिश है, या फिर फिश कलर फ्लेवर्ड कुछ भी हो सकता है, तो उसकी मदद से आपने उसकी बेटिंग बनानी है। और आप कंबाइंड टॉक्सिकेंट भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बेट के साथ, उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना होता है। अगर आप पॉइजन बेट्स बना रहे हैं यूजिंग फ्रेश मटेरियल तो आपने उसको इमीजिएटली इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि वो फ्रेश है, तो फ्रेश होने के बाद फ्रेश चीज़ है, तो उसके अगर वो टाइम आफ्टर टाइम यूज़ करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली वैसे डैमेज हो जाएगी, तो उसका उसके ऊपर असर जो है वो कम हो जाएगा। अगर जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बेट बनाया है, उसके लिए उस पर असर कम हो जाएगा। इसी तरह ट्रैपिंग सिस्टम है, ट्रैपिंग सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे घरों में हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चूहे को, ये चूहे को पकड़ने के लिए हम ट्रैप यूज़ कर रहते हैं। इसी तरह कुछ लाइक इंसेक्ट्स होते हैं जिनको इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, जैसे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए भी हम ट्रैपिंग सिस्टम अप्लाई करते हैं। ट्रैपिंग सिस्टम भी एक ईजी वे है, सस्ता है, इसमें मुश्किल नहीं पेश आती। ट्रैपिंग जो है ट्रैप्स, स्नैप ट्रैप्स बेटेड जो है पीनट बटर, सनफ्लावर सीड और सिमिलर आइटम वर्क्स वेल। आपने जब भी ट्रैपिंग सिस्टम बनाना है आपने ये देखना है कि रैट कहाँ से गुजरा है, ठीक है। उसकी जब रैट गुजरता है तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई देती है, अगर जहाँ पे आवाज़ सुनाई दे तो वहाँ पे आप ट्रैपिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं।
अगर वो पार्क में से गुजरा है या वॉल में से गुजरा, कहीं से भी गुजर रहा है, तो आपने वहाँ पर इस ट्रैप सिस्टम को अप्लाई कर लेना है। जब भी ट्रैपिंग सिस्टम को अप्लाई करना, तो अपने उसको परपेंडिकुलर अप्लाई करना है, मतलब जिन रूट से वो ट्रैवल कर रहा है उस रूट्स पे अपने परपेंडिकुलर इसको अप्लाई करना है। ये भी ख्याल रखेंगे अगर वो एक से अगर एक ही ट्रैप पावर यूज़ कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो जिसके आदि हो चुका होता है, इसलिए डिफरेंट किस्म के ट्रैपिंग सिस्टम आप बनाकर यूज़ करें। और वुडन बेस स्नैप ट्रैप्स जो है वो भी मोर इफेक्टिव होता है बाई इनलार्जिंग द ट्रिगर्स और पैन विद द स्क्वेयर ऑफ थिन स्टिफ कार्डबोर्ड कट स्लाइटली स्मॉल देन स्नैप वायर। इसी तरह जो स्मीयर कार्डबोर्ड होता है पिनेट के साथ या बटर के साथ जब हम बना रहते हैं बेटिंग के लिए, तो वो भी मोस्ट इफेक्टिव होता है। और ऑब्स्टेकल्स कैन बी यूज टू फोर्स रैट्स ओवर द इनलार्ज ट्रिगर्स ऑफ द ट्रैप। इसी तरह आपको ये टेक्निक्स कुछ स्ट्रेटजीज थी जो फार्मर्स अप्लाई करते थे, लाइक टेक्निक्स जो हैं रोडेंटिसाइड्स हैं, एविसाइड है, ट्रैपिंग है, इवर्जन्स जो हैं, इनको जो फार्मर्स हैं अप्लाई करते हैं ताकि उनकी तादाद को हम ओवरकम कर सकें, इकोनॉमिक लॉसेस से ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस से हम बच सकें। और ये स्ट्रेटजीज जो हैं लिमिटिंग क्रॉप लॉस को बचाने के लिए इफेक्टिव होती हैं। और ये जो डैमेज है वो रूडेंट्स की वजह से हो सकता है और बर्ड्स की वजह से हो सकता है, और तमाम डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर ये अभी तक वैसे के वैसे है, मतलब इसे इतना कम नहीं किया जा सका। जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है रूडेंट्स की वो हम स्प्रिंग सीजन के अंदर देखते हैं, मतलब जो इसकी एक्टिविटी है, मतलब इनके आने के चांसेस, इसकी तादाद के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसकी पॉपुलेशन हम जब हम जिस जगह पर ज़्यादा देखते हैं वो स्प्रिंग सीजन है। इसी तरह विंटर सीजन के अंदर जो इसकी डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो लोअर हो जाती है। और डिफरेंट किस्म के जो बेट है डिफरेंट कलर्स में आप यूज़ करते हैं रूडेंट्स पेस्ट को रिमूव करने के लिए, डिफरेंट कलर्स में यूज़ करेंगे हम। इसी तरह जो अवेलेबिलिटी फूड है या फिर लोकेलिटी है वो भी की फैक्टर होते हैं पेस्ट को रिमूव करने के लिए। अब पेस्ट को रिमूव करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं, जैसे मैकेनिकल है या बायोलॉजिकल है, ये केमिकल कंट्रोल मेथड है जो कि इफेक्टिव होता है IPMA में। IPMA इज स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच। इसके अंदर हम मैकेनिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, बायोलॉजिकल अप्लाई करते हैं, केमिकल टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं। ये सभी टेक्निक्स जो हैं नेक्स्ट फर्दर टॉपिक के अंदर लेक्चर के अंदर आप इसको पढ़ेंगे। इसकी पॉपुलेशन को रूडेंट्स पॉपुलेशन की डेंसिटी को रिमूव करने के लिए ये टेक्निक्स हम अप्लाई करेंगे, मैकेनिकली भी, बायोलॉजिकली एंड केमिकली भी। नाउ थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।